नमस्कार दोस्तों, गर्मी का दिन था। जंगल में एक लकड़बग्घा प्यास से तड़प रहा था। साथ ही साथ वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी घूमते हुए उसे एक नदी दिखाई पड़ी। दूर से देखने पर नदी में पानी कम लग रहा था, फिर भी उसने दौड़कर जल्दी से अपनी प्यास बुझाई। भरपेट पानी पीने के बाद लकड़बग्घा मानो तृप्त हो गया। अब उसने सोचा कि गर्मी काफी है तो क्यों ना नदी में बीच में जाकर साफ स्वच्छ पानी में स्नान भी कर लिया जाए। लेकिन नदी की कितनी गहराई है उसे मालूम नहीं था। लकड़बग्घे ने वहीं खड़े एक ऊंट से पूछा, ताऊ नदी में पानी कितना है, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा नहाने में। ऊंट ने अपना दांत निपोड़ते हुए कहा, मेरे घुटने भर पानी है बच्चे, मैं अभी अभी नहाकर निकला हूँ, जा तू भी नहा ले। ऊंट की बात सुनते ही लकड़बग्घे ने छलांग लगाई और नदी के बीचों बीच में जा पहुंचा। फिर वो अचानक डूबने लगा। लकड़बग्घा कभी गोते खाता तो कभी अपना सिर पानी से बाहर निकालकर सांस लेता। जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई और बाहर आया। बाहर आते ही उसने गुस्से में ऊंट से कहा, बेवकूफ तुमने क्यों कहा पानी घुटनों तक है, मैं तो डूबकर मरने वाला था। ऊंट ने जवाब दिया, भड़क क्या क्यों रहा है बच्चे, मैंने तो बिल्कुल ठीक ही कहा था कि नदी में पानी मेरे घुटनों तक है। अब तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूँ। उसके बाद लकड़बग्घे को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का तजुर्बा अलग अलग होता है और वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव की रोशनी में ही किसी विषय का जवाब देता है। मुमकिन है जो बातें उसके लिए फायदेमंद हो हमारे लिए नुकसान पहुंचाए। इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ दूसरों के तजुर्बे को देखकर चलना जीवन में हमें कभी भी डुबो सकता है। अपने विवेक से काम लेना जरूरी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।